तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी ऊंचाई के ऊपर इसमें से बर्फ हटाई जा रही है इस तार में से, जो कि हाई टेंशन वायर का होता है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई चौथे पांचवें फ्लोर पे लिमिट में कैसे सीमेंट का यूज़ किया जाता है, इसमें लॉक होता है देख सकते हो, जिसपे उस बंदे ने पैर रख के खड़ा है। और यहाँ भाई किसी भी कार के बॉडी में से डेंट खींच के निकालना जा रहा है। और यहाँ भाई जो रोड पे यूज़ होते हैं पिलर्स, उन्हें कैसे स्थिर किया जाता है इसकी मदद से, तो देख सकते हो भाई कैसे स्थिर किया जाता है। और यहाँ भाई हाई वोल्ट में से जब कनेक्शन काट देते हैं उसके बावजूद कितनी दूर से भी कनेक्शन कटता नहीं है, कितनी देर तक देख सकते हो कितनी देर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भाई लैंडस्केप से बचने के लिए कैसे इन लोहे के पिलर्स को गाड़ा जाता है ज़मीन के अंदर, ताकि पिलर्स और मिट्टी जमी रहे एक जगह। और यहाँ भाई देख सकते हो मोटे मोटे लोहे से बम्पर बनाने के लिए कैसे लोहे को गर्म करके मोड़ा जाता है हथौड़ी से मार मार के लगातार। और यहाँ पे देख सकते हो पार्किंग में ये सपोर्टर्स बनाए जाते हैं जो करेक्ट जगह पार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, देख सकते हो कैसे पार्किंग के बनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हो भाई डायमंड ब्लेड कैसे लोहे को मक्खन की तरह काट रहा है, इतनी तेज़ तो लकड़ी भी नहीं कटती है और यहाँ लोहे के वो काटे जा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो भाई इस हथौड़ी से कितनी जल्दी जल्दी इसने इस पूरी दीवार को काट दिया जो कि गलत बन गई थी। और यहाँ देख सकते हो बड़ी बड़ी बीम्स को कैसे ज़मीन के अंदर सीमेंट डाल के फिर लोहे के जाल को ऊपर से डाला जाता है और भाई बीम बन के फटाफट तैयार। और यहाँ पे देख सकते हो भाई कैसे मतलब वर्कर्स जहाँ जेसीबी वेसीबी नहीं पहुँचती वहाँ वर्कर्स कैसे तालमेल में जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि काम आसान हो सके। और यहाँ रेडिएटर में से एकदम से पानी कैसे जंग निकाली जाती है, ब्लॉकेज क्लियर की जाती है। और यहाँ देख सकते हो भाई बिल्डिंग के अंदर इंसुलेशन बनाए रखने के लिए कैसे इस थर्मल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि बिल्कुल भाई अंदर ठंडा रह सके। और यहाँ देख सकते हो बड़े बड़े तार रोलर्स में से निकाला जाता है और हाई टेंशन वायर के इसमें से निकाल के बनाया जाता है, कैसे हाई टेंशन वायर में जोड़े जाते हैं। और यहाँ देख सकते हो भाई हाई इंसुलेशन में फॉर्म का कैसे यूज़ किया जाता है, जहाँ गर्मी आर पार ना हो वहाँ पे ये फॉर्म भरी कैसे जाती है, और देख सकते हो भाई बिल्कुल भी ऐसा हो जाता है। और भाई देख सकते हो बड़े बड़े ड्रम्स को भी कैसे इस मशीन से पिचका दिया जाता है और फिर उन्हें पैक कर दिया जाता है। और यहाँ देख सकते हो भाई इस लॉकर का क्या फ़ायदा, इस गेट में इस लॉक को लगाने से क्या फ़ायदा जब गेट ऐसे ही खुल जाएगा अपने आप। और यहाँ देख सकते हो भाई कैसे ये फायर फाइटर्स ये कैसे मदद कर रहे हैं इनकी बिल्ड ब्रिज को मजबूत बनाए रखने में और उसे बनाने में। और यहाँ देख सकते हो भाई पानी जब बहने लगता है पाइप में से तो कैसे इस लॉक को यूज़ करके फटाक से जॉइंट को जोड़ा जा सकता है और बीच में एक मतलब लॉक भी लगाया जा सकता है। और यहाँ देख सकते हो भाई बड़े बड़े तार्स को कैसे फिक्स किया जाता है और यहाँ बड़े बड़े डिवाइडर्स को रोड में कैसे साफ़ किया जाता है इस मशीन की मदद से, देख सकते हो भाई कितनी जल्दी जल्दी डिवाइडर लोहे के साफ़ हो रहे हैं, बिल्कुल चकाचक हो जाएगी बिल्डिंग। और यहाँ देख सकते हो भाई बड़े बड़े शिंक विंक कैसे इन्हें तोड़ ताड़ के वापस रीयूज़ करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है इन्हें तोड़ने के लिए। और यहाँ बड़े बड़े गुची गुची के जो जितने भी शूज़ होते हैं उन्हें भाई कैसे मतलब कितनी अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है। और यहाँ देख सकते हो भाई बड़े बड़े कैसे बिल्डिंग के या जितने भी मेट्रो के पिलर हैं इनको जाल कैसे बनाए जाते हैं और इसमें सीमेंट भर दिया जाता है।